Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Saba Azad. Who is she and why is she getting trolled? Recently, कुछ clips Saba के ना viral गए थे, जहाँ पे she was seen singing and dancing. And because of her weird moves, internet पे this clip was circulated a lot. Ramp walk and performance साथ में करना, ये जो concept है ना वो नया नहीं है. कई बार इसके पहले भी ना different shows में ये देखने मिला है. Just that वो सारे performances काफी beautifully execute किए गए थे. But during this fashion show, Saba was doing her own thing. Models were walking on opposite side. Proper amalgamation concept का देखने नहीं मिला. Fashion show का main focus point models and उनके outfits होते हैं. And generally, when such performances are included, तब it is choreographed in a way जिससे सब कुछ ना seamless लगे. But in Saba's case, it was more like a distraction. Models के walk से ज़्यादा ध्यान Saba पे जा रहा था. And ये चीज़ deny नहीं की जा सकती कि ये पूरा चीज़ weird था. एनीवेज जिन्हें नहीं पता सबा एक एक्ट्रेस एंड सिंगर है. आफ्टर शी स्टार्टेड डेटिंग ऋतिक रोशन उसके बाद वो इमेंसली फेमस हुई है. एंड अभी आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू आइडेंटिफाई समवन एज दिस पर्सन्स गर्लफ्रेंड और दिस पर्सन्स पार्टनर. बट पॉइंट इज कि ऋतिक रोशन काफी फेमस है तो ऑब्वियसली कई ऐसी बॉलीवुड की ऑडियंस है जो पहले सबा को बिल्कुल नहीं जानती होगी पर अभी ऋतिक रोशन की वजह से दे नो हर. एंड फैक्ट को एक्सेप्ट करना ना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है. जैसे प्रियंका निक जोनस का सिनेरियो ले लो. जो इंडियन ऑडियंस है अगर उनको निक जोनस के बारे में नहीं पता होगा तो सम ऑफ यू में से कि अरे ही इज प्रियंकाज हस्बैंड बिकॉज यहाँ पे प्रियंका ज्यादा फेमस है तो उसका नाम काफी लोग जानते होंगे. वेर एज हॉलीवुड की ऑडियंस ये बोलती होगी कि अरे निक जोनस की वाइफ है प्रियंका क्योंकि वहां पे निक जोनस काफी फेमस है उसने ज्यादा काम किया है कंपैरेटिवली. तो वही सेम सेंस में सबा ने भी जब लास्ट ईयर 2022 के साल में ऋतिक को डेट करना शुरू किया उसके बाद से इमेंस मीडिया अटेंशन उसे मिलने लगा. दोनों कॉमन फ्रेंड्स वाया मिले थे एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. दो सबा 2008 से बॉलीवुड में है बट ज्यादा फिल्में उसने नहीं की है. कुछ 3 फिल्मों में वो नजर आई है बाकी वो शॉर्ट फिल्म्स का भी पार्ट रही है. एंड रीसेंट कुछ वक्त में कई सारे वेब सीरीज में भी वो बैक टू बैक नजर आने लगी है. एंड अभी जाके एज एन एक्ट्रेस उसे वो रिकॉग्निशन भी मिलने लगा है. सबा को इवन आपने ना कई फेमस एड्स में भी देखा होगा. कैडबरी का एड हो गया सनसिल्क का एड हो गया ऐसे कई कैंपेन्स का वो पार्ट रह चुकी है. एक्टिंग करने के अलावा सबा एक सिंगर भी है. उसने इमाद शाह के साथ एक बैंड शुरू किया था 2012 में. तब दोनों भी डेट कर रहे थे. इनका रिश्ता ऑलमोस्ट 2020 तक चला. लेटर ऑन दे ब्रोक अप बट अभी भी वो साथ में टूर्स पे वगैरह जाते हैं. उनका जो बैंड है कई परफॉर्मेंसेस दे चुका है. इमाद शाह जो है ना वो नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं. एंड रिसेंट जो डांस का क्लिप देखने मिला था चलो दैट वाज बिट फनी. एंड ऑब्वियसली थोड़ा ऑड था मूव्स इस वजह से वैसे कॉमन से इंटरनेट पे देखने मिल रहे थे. पर लास्ट ईयर 2022 में ना सबा वाज ब्रूटली ट्रोल्ड फॉर हर लुक्स. जब ऋतिक एंड सबा मेड इट ऑफिशियल कि दे आर डेटिंग उसके बाद से कई लोगों ने ये रिश्ते को जज करना शुरू कर दिया. एंड मोस्टली सबा ब्यूटीफुल है कि नहीं इस पर डिस्कशन हो रहे थे. कॉमेंट्स लाइक कि LOL व्हाट अ चॉइस. किसने सच कहा है कि सुंदर लोगों की पसंद सुंदर नहीं होती. बाप बेटी लग रहे हैं. इस आदमी की चॉइस एंड पसंद हमेशा बेकार रही है. नॉट ब्यूटीफुल. एंड ऐसी कई चीजें लिखी गई थी. इना वेना ऋतिक रोशन एक सुपरस्टार है. लोग उसे काफी पसंद करते हैं. ऋतिक रोशन के बॉडी एंड लुक्स की वजह से ना कई मैगजीन्स एंड इंटरनेशनल फोरम्स ने ऋतिक को एज मोस्ट हैंडसम मैन का टाइटल दिया है. तो व्हेन इट कम्स टू ऋतिक रोशन पीपल हैव दिस ओपिनियन कि ऋतिक मीन्स परफेक्शन. उनके फीचर्स की वजह से कई लोग उनको कॉम्प्लीमेंट दे चुके हैं. एंड क्योंकि ऋतिक रोशन के बारे में जब भी बात होता है तब बाय डिफॉल्ट ऑडियंस उनके लुक्स को लेके भी हैवीली डिस्कस करती है. जिस वजह से लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि क्योंकि डिवोर्स अभी हो चुका है एंड ही इज सिंगल नाउ ही वुड डेट समवन हु इज इमेंसली ब्यूटीफुल. पर सवाल यहाँ पे ये है कि हु डिफाइंस ब्यूटी. होता क्या है कि लोगों के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई उसमें फिट नहीं बैठता देन उनके हिसाब से वो पर्सन ब्यूटीफुल नहीं है. दो दिस इज वेरी क्रूअल बट इट इज दी हार्श ट्रूथ. जैसे कि वेस्ट में लोग टैन होना पसंद करते हैं एंड हमारे यहाँ टैन लुक को प्रेफर नहीं किया जाता. यहाँ पे परफेक्ट आर ग्लास शेप स्किन टोन ये सब देखा जाता है. एंड सेम चीज सबा के साथ हुई. ऋतिक के चाहने वाले वे नॉट एट ऑल अप्रूविंग ऑफ हो जबकि वो उनका प्लेस ही नहीं था टू पास सच जजमेंट्स पर वो चीज हुई एंड दैट वॉज वेरी ब्रूटल. इंटरनेट पे एक तरफ लोग ना दूसरों को उनके लुक्स के लिए शेम करते हैं एंड दूसरी तरफ नेचुरल ब्यूटी के लिए स्टैंड लेते हैं. दैट इज नॉट एट ऑल फेयर. यू कांट डू दैट टू समवन. किसको आप उनके फीचर्स के लिए इनसिक्योर फील कराओगे एंड जाके नेचुरल ब्यूटी के बारे में प्रीच करोगे. इट मेक्स नो सेंस. इन अ वे इंटरनेट पे जो ये हार्श ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पुश किया जा रहा है ना इसी वजह से इंडिया में भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का मार्केट अभी बढ़ रहा है. वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट लुक सबके अलग होते हैं. कोई अपना फेशियल फीचर सिलेक्ट करके नहीं आता है. जो दिया गया है वो है दैट इज इट. यू कांट कॉल समवन अगली. एंड ब्यूटी का जो डेफिनेशन है ना वो सबके लिए अलग है. कुछ लोगों के लिए पर्सनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो चीज उन्हें अट्रैक्टिव लगती है. तो सबके चॉइसेस एंड स्टैंडर्ड्स अगर अलग है तो किसको आप फोर्स नहीं कर सकते. ऑल्सो एज डिफरेंस को लेके बिना उनका मजाक उड़ाया गया था. बाप बेटी ये वो लाइंस लिखे गए थे.
एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज कई लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि सबा जो है वो अपने 20s में है एंड कुछ 15-20 ईयर्स छोटी है ऋतिक से, पर दैट इज नॉट द केस। ऋतिक एंड सबा में ना 11 ईयर्स का एज गैप है। ऋतिक रोशन इज 49 एंड सबा इज 38। दोनों अडल्ट है, दोनों मेच्योर है। इट इज नॉट एज इफ ऋतिक किसी 19-18 ईयर्स की लड़की को डेट करा है जो इजिली मैनिपुलेट हो सकती है, ऐसा केस नहीं है। एंड आई मेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज बॉलीवुड में पहले ऐसे केसेस हो चुके हैं। एनीवेज यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि ऑडियंस के जो भी स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स है ना वो काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट में भी उतना ही एज डिफरेंस है एंड इन माई ओपिनियन नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कैसे दोनों भी सेम सिनेरियोस है पर लोगों के रिएक्शंस अलग अलग है। आलिया इज 30 एंड रणबीर इज 41, 11 ईयर्स का एज डिफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस दे आर द आइडियल कपल, पीपल शिप देम। पर ऋतिक सबा विद द सेम एज डिफरेंस आर टैग्ड एज बाप बेटी, दैट इज अब्सर्ड। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि सबा एंड ऋतिक के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।